जब कोनो माँ के अपना बेटा के बारे में कोई गलत बात कहे तो बड़ी भीतर से टूटल महसूस होला। एगो मतारी ऐसा होली जौन बेटा के हर गलती के माफ कर देवेली। ऐसने कुछ हो रहा है बिहार के राजनीति में। मतारी अपना बेटा के हर गलती के माफ करे खातिर आगे बढ़ के उनका के अपना आंचल में बैठावे खातिर तैयार बाड़ी। गोर लगाता नहीं स्वागत बर बोलो के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। बिहार में जहां एक तरफ राजनीतिक भूचाल मचल बा, एक से एक दिग्गज, एक से एक राजनीतिक पहलवान अखाड़ा में अपन जोर आजमाइश कर रहा बा, एक तरफ जहां बड़ बड़ योद्धा बिहार के 40 गो सीट के फतह करे खातिर अखाड़ा में एक से एक दाव आजमा रहा बड़न, ओजा लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में उनकर दू गो पुत्र महागठबंधन के लेके चल रहा बड़न। हालांकि महागठबंधन में और भी नेता बड़न, 6 गो कुल दल बा और 6 दल में नेता लोग की कमी नहीं है। लेकिन नाम अगर गिनावल जाओ तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम सबसे ऊपर बा, स्टार प्रचारक बड़न। और पूरा महागठबंधन के जो डेंगी भी ओकर खेवैया उहे बड़न, भले निषाद हो जा बड़न जौन की नाव छाप से चुनाव लड़ता, टेलीफोन लेकर के माझी ये पूरे महागठबंधन के अपना विचार से और अनुभव से आगे बढ़ावत रहन चुनावी बैतरनी में। वही जे हाथ के सहारा दे के कांग्रेस भी अपन कम नहीं करत। बात कर जाओ तो लालटेन मजबूती से राह देखा रहल बा। कबो कबो ये चुनावी गर्मी में तपिस में जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता तो कुशवाहा अपन पंखा लेके शीतल बयार बहावे खातिर भी तैयार बन। भले उनकर पार्टी में भयंकर टूट फूट होता, उनका पर एक से एक आरोप लागल बा, सीट बेचे के आरोप लागत रुए, लेकिन मजबूती के साथ वह खड़ा बन। सबके बुझा रहा बा कि 17वीं लोकसभा चुनाव में अगर पिछड़ गई तो फिर 5 साल मोदी राज काबिज हो जाए। ये सबके बीच में महागठबंधन के थोड़ा बहुत जो कमी या फिर बैकफुट पर जाए के कारण बनता रहे वो बड़े तेज प्रताप यादव। महागठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के लेकर के और खुद अपना पार्टी में अपना भाई के जो फैसला रहा उकरा विरोध में तेज प्रताप यादव शंखनाद कर दिल रहन। एक खाली शंखनाद कर रहन गांधी मैदान में कि कृष्ण बन के अपना भाई तेजस्वी अर्जुन के बिहार के गद्दी पर बैठाई। एकरा पहले आज से 6 महीना पहले से वो फिर से एक बार राजनीतिक रूप से सक्रिय भ रहा है। घरेलू मुद्दा के शादी ब्याह वाला झमेला रहा, तलाक के मामला रहा, उस सब से अलग हट के वो प्रयास कैले कि फिर से एक बार पार्टी के सींचल जाए। एक खातिर वो तैयारी भी शुरू कर दिले और संगठन पर अपन आधिपत्य जमावे खातिर जनता दरबार लगावे लगले और बहुत क्विक त्वरित एक्शन भी देखावे लगले। मीडिया के चमौड़ा भी उनका भी लागल, लेकिन उनका से एगो चूक हो गई। चूक ये हो गई कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला वो घर में ना करके मीडिया में चर्चा कर दिले, अपन 2 गो प्रत्याशी घोषित कर दिले कि शिवहर से और जहानाबाद से वो अपन प्रत्याशी लड़ी हैं। और ये मामला एक बैग जन मानू बूम कर गई। ये मामला के बूम कैला के बीच में एगो और ऐसा घटना घटल, एक और ऐसा वाकया हो गई जो ना वाकया के लेकर के बिहार के राजनीति गर्म हो गई। पूरी तरह से राजनीतिक तपिस में महागठबंधन और एनडीए लहके लागल, धधके लागल। ये तपिस रहे और कारण रहे गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी। नलिन वर्मा के किताब आई जो ना के लालू प्रसाद के कहल जाता कि वो लिखले बारे और उसमें कुछ अंश नलिन वर्मा के लिखल बढ़ू लालू प्रसाद से बातचीत के आधार पर। ये सब के बीच में जब किताब आई तो किताब पर गदर मच गई।
गदर ऐसे मच गई कि किताब में कुछ अंश ऐसा रहे जौन सीधे सीधे बिहार के पिछला 14 साल से राजनीति और सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के एकरा में बार बार लालू प्रसाद के सामने याचना और आग्रह के बात रहे। इस बात के लेकर के जहाँ एक तरफ राजद के तरफ से दावेदारी होत रहे वो ये जदयू इस बात के पूरी तरह से सिरे से नकारे खातिर हर प्रयास कैलस और एकरा के प्रमाणित करे खातिर भी उनका के दावा कैलस कि प्रमाणित ना कर सकले ऐसा बात भैले नहीं है। हालांकि रुआ के थोड़ा सा पीछे लेके जाता नहीं, हम पीछे ऐसे लेके जाता नहीं कि बिहार के राजनीति में आगे और पीछे जाए वाला जो रीति नीति बानू हमेशा चलल आ रहा बा। रुआ याद हुई कि 2013 में जब नीतीश जी एनडीए से अलग भई रहन तो अलग भइला के समय उनका लगे दोसर कोनो रास्ता ना रहे चुनाव के सिवाय और उस सत्ता में बनल रहल चाहत रहन। ओ घड़ी जौन उनका सबसे धूर विरोधी रहन राजद यानी लालू प्रसाद, वो लालू प्रसाद उनका के सहारा दिले रहन और संगे संगे कांग्रेस से भी सहारा दिवैले रहन। नीतीश कुमार अपना सत्ता में एनडीए से अलग होके भी कायम रह गए और ये उनकर बिना शर्त के बात रहे। एकरा बाद 2014 के चुनाव भइल जना में नीतीश कुमार के साथ साथ राजद और कांग्रेस के भी बड़ा करारा हार मिलल। बिहार में ये दोनों तीनों आदमी मिल करके जबकि गठबंधन में ना रहे लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे लोग, जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद और कांग्रेस एक साथ रहे लोग वही जदयू अलग चुनाव लड़ रहे, मात्र 2 सीट मिल रहे लोकसभा के, 3 सीट पर संतोष करे के पड़ रहे आरजेडी के और 2 सीट मिल रहे कांग्रेस के। एकरा बाद इस संबंध आगे बढ़ल, माझी हार के नीतीश कुमार जब अपना ऊपर ले ले कि हम अध्यक्ष रहनी है हमारा चलते हार भई तो माझी के मुख्यमंत्री बनौले और माझी के भी समर्थन प्राप्त हो गई ए दोनों के यानी कांग्रेस और आरजेडी के। लालू प्रसाद ओघरी भी बिना शर्त समर्थन के लिए और आग्रह के बाद भी वो लोग सत्ता में भागीदार ना भई, लेकिन 2015 में एगो महागठबंधन बनल और महागठबंधन बनला के बाद नीतीश कुमार ओकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित भइले और घोषित करे वाला दही के टीका लगाए वाला लालू प्रसाद रहन। सारा दुश्मनी सारा बात विवाद भुला के राबड़ी देवी भी और तेजस्वी तेज प्रताप मीसा भारती सहित पूरा राजद परिवार नीतीश कुमार के स्वीकार कर लेस। पुरान दोस्ती एक बार फिर से नया कलेवर में सामने आई, जीत भी मिलल और सत्ता भी मिलल, लेकिन सत्ता लंबा ना चल पाओ। एकरा बाद से जो रार शुरू भइल विद्रोह शुरू भइल वो दोनों जो पहले दुश्मनी रहे ओकरा 4 गुना 5 गुना ज़्यादा दुश्मनी हो गई, ऐसे कि दुश्मन के संख्या बढ़ गई रहे। नीतीश कुमार के दुश्मनी लालू प्रसाद से रहे लेकिन अब सीधा सीधा उनका दुश्मनी उनका बाल बच्चा और परिवार से भी हो गई रहे। बात राबड़ी देवी के हम करत रही हैं। राबड़ी देवी मतारी रही और उनका दुदू को बेटा बेरोजगार हो जास, जबकि सत्ता के धुरी में राजद रहे, ज़्यादा सीट राजद के लगे रहे, विवाद भी चल रहे, कुछ दिन झमेला भी आपस में चल रहे कि जब ज़्यादा सीट बात तो मुख्यमंत्री पद हमने कायना हो के, लेकिन लालू प्रसाद अपना शर्त के हिसाब से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना ले और दोनों बेटा के एगो उप मुख्यमंत्री और मंत्रालय तक मिलल, सब संतुष्ट से चलत रहे। एकरा बाद नीतीश कुमार 22 महीना के बाद लगभग वही 22-23 महीना के बाद जब महागठबंधन तोड़ के एनडीए में गई है, जौन दुश्मनी इतना लंबा चलल इस दुश्मनी में बहुत कुछ अब राजनीति से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर भी शामिल हो गई। इस बीच में लालू प्रसाद के जौन किताब के चर्चा कहनी है वो किताब आ गई रायसीना हिल यानी गोपालगंज टू रायसीना हिल माई पोलिटिकल जर्नी,
और इस जर्नी के लेकर के जो किताब में बात लिख रहे ओकरा में ई बात सबसे ज़्यादा माने कह जाला ना वो कांट लिखा बैर के कांट जब चुभेला तो बड़ा दर्द होला। बैर के कांट लिखा चुभ गई, बैर तो होइए गई रहे और बैर के कांट चुभ गई। लालू प्रसाद वो किताब में लिखले बड़े कि नीतीश कुमार एनडीए में गैला के 6 महीना के बाद यानी 6 महीना के दरमियान वो प्रयास कैले रहन अलग अलग माध्यम के साथ साथ प्रशांत किशोर के जरिए कि पुनः महागठबंधन में वापस हो जाए, लेकिन हम इनकार कर देंगे। अब यह बात के समर्थन लालू प्रसाद के किताब में जो बात लिखल बा ओकर समर्थन करे खातिर तेजस्वी यादव भी आगे आ गए, वो कहले कि हाँ यह बात के जानकारी बा। हालांकि यह बात के इनकार करे में पूरा जदयू और प्रशांत किशोर दोनों आदमी शामिल बाड़े। प्रशांत किशोर भी कहते रहे बहुत कुछ कहबो कैले, प्रशांत किशोर एगो ट्वीट भी कैले वो बात रुआ लोग देखल रही, लेकिन वो ट्वीट के बाद प्रशांत किशोर के जवाब में कोई स्पष्टवादिता नहीं है। अब आगे जाए तेजस्वी के बाद राबड़ी देवी भी यह बात के अब स्वीकार कर ले ली कि प्रशांत किशोर 5 हाली मिलर हो गया। यह बात के लेकर के और कई बात कहली है, ओकरा में एक बात और कहली है कि हमारा दोनों बेटा लोग में कोई अंतर नहीं है, दोनों एकजुट वालों एक साथ वालों। हालांकि भारत लाइव यह बात के बहुत पहले से तस्दीक करते रहे, सूत्र के हवाले से जो खबर मिलत रहे कि तेज प्रताप यादव राजनीतिक रूप से अपना पिता के नक्शे कदम पर चलत रहन या उनका राजनीति के वो आत्मसात करे के फेरा मारन और वो एक रणनीति के तहत यह तरीका के बात करके मीडिया में बनल रह चाहत। अगर वो इस तरह के भाव भंगिमा ना करी हैं तो मीडिया उनका के नोटिस ना करी, और यह कारण बा कि समय समय पर मीडिया के सामने अपन बात रखे ले और नोटिस करवा ले। अब ये सब बात के लेके जौन सामने बात आई बा बड़ा इम्पोर्टेंट बात बा, और इम्पोर्टेंट ऐसे बा कि अब बिहार के राजनीति में चुनावी मौसम में पूरी तरह से ट्रेंड करत रहे। एक बार फिर से लोग उस पर चर्चा शुरू करी जौन बात राख डाले के प्रयास जदयू के तरफ से भय रहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से महागठबंधन तूर के एनडीए में गैला के बाद पुनः वापसी खातिर आग्रह कैले रहन या संदेशा भेजले रहन। राबड़ी देवी दू गो बात कहली और दोनों बात बिहार के राजनीति में ट्रेंड जरूर करी। एकरा पर जल्दी ही हो सकेला तो जदयू के तरफ से कोनो प्रतिक्रिया आई, ऐसे कि जदयू इंतजार में बा चुनावी मौसम बा कि जैसे ही कोई राजद के तरफ से बयान आता ओकर पलटवार होके, जैसे ही कोनो खबर आवता रुवालों के सामने हाजिर हो। कब चुनावी मौसम चलता, चुनाव में रुवा लोग वोट जरूर करी, सही प्रत्याशी चुनी और देश के विकास में लोकतंत्र के मजबूती में अपन भागीदारी निभाई। भारत लाइव कैसा लगा था, खबर हमने कैसा लगा था, विश्लेषण कैसा लगा था जरूर बताई सब है कमेंट बॉक्स रावरे खातिर बढ़ुए। सोशल मीडिया में सबसे बड़ बात बा कि अखबार रुआ पढ़ब टीवी रुआ देखब तो रुआ विचार देवे के कोनो ऑप्शन ना रहला, लेकिन एजा देखते देखत रहुआ अपन विचार भी दे सकिले। सोशल मीडिया के यह फायदा बा कि टू वे कम्युनिकेशन बढ़ुए, हमनी के जैसे रउआ से बात करते हैं जा उसे रउआ हमनियों से बात कर सकी ले। इस सुविधा के लाभ उठाई हमनी के राय दी, अगर और विचार व कुछ दे दी रुआ अगल बगल में का घटित होता वह रुआ बता सकी ले, हमनी के तैयार बन जा खबर के माध्यम से ओकरा के रुआ देश दुनिया के देखाई जा। कोनो रुआ लगे टॉपिक बा कोनो विषय पर रुआ बात कैल चाहता नहीं स्वागत बा राहुल, हमनी के यही खातिर यह माध्यम पर बनी जा कि जौन रुआ लोग हमनी के शुभचिंतक बानी समर्थक बानी वो लगातार सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब करे वाला काम जारी रहे। दोस्त नाता पटीदार हितिया हित गोतिया संगी सलेहर परिचित जे भी होके देश में होके विदेश में होके दुनिया के कोनो कोना में होके तो जरूर बताइए सब है कि भारत लाइव राउर है, सब्सक्राइब कर लो लोग और संगे संगे घंटी जरूर दबा दी लोग, ऐसे घंटी दबावने के बाद बिना कोनो दाम खर्चा कर ले एकदम मुफ्त में सेतिया में फ्री में सारा खबर सबसे पहले पहुंची और वो भी छानल बिनल ओसावल एकदम ऐसा खबर जौन रउआ के सीधे सीधे
असर करेला, रउआ से जुड़ल बा और रउआ सरोकार के बा। फिर थोड़ी देर में मिलत तनी, गोर लागत तनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।